एकदम सुपर सॉफ्ट कुलचे होंगे, बिल्कुल रुई जैसे मुलायम। ये आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट कुलचे हमारे बने हैं। बनाना बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल रेसिपी है। एक बार शुरू से लास्ट तक देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कुलचे बनाने को लेकर। आइए शुरू करते हैं बनाना सॉफ्ट सॉफ्ट कुलचे बिल्कुल बेकरी जैसे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं डाल रहा हूँ ये पानी। यहाँ ये नॉर्मल पानी है, हाफ कप है, हाफ कप में 125 ml आता है। इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे लगभग 20 सेकंड के लिए कि हमारा लुक वार्म वाटर हो गया है तैयार। इसमें मैं डाल रहा हूँ चीनी 1 teaspoon, लगभग 5 ग्राम है। इसे डिजोल्व कर लेते हैं और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ईस्ट। ये ईस्ट है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, आपको इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ही लेना है। 2 teaspoon ग्राम्स में 6 ग्राम है, 6 से 7 ग्राम के बीच में है, 6 ग्राम या 7 ग्राम। मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे पूरे 10 से 15 मिनट के लिए। अभी सर्दी का टाइम है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एक्टिवेट होने के लिए, गर्मियों में 5-6 मिनट में हो जाता है। 10-15 मिनट लगेंगे तो इसको मैं साइड में कर रहा हूँ और एक और बाउल ले रहा हूँ। जितने भी ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं वो हम छान लेंगे। तो मैंने छलनी लगा दी है, बाउल ले लिया है और ये मेजरिंग कप है, एक कप मेजरिंग कप है ये, 250 ml का आता है, लेकिन इसमें मैदा 120 ग्राम ही आती है। 120 ग्राम मैदा हमने डाल दी, इसको हम छान लेंगे। ये पहला कप है हमारा, ऐसे हम दो बार डालेंगे भरकर, टोटल 240 ग्राम मैदा जाएगी। 240 ग्राम मैदा का हम डो लगाएंगे। 240 ग्राम मैदा हमने डाल दी है और छान ली है। सॉल्ट हम डाल रहे हैं 1 teaspoon और मिक्स कर लेते हैं। नमक डाल दिया है 1 छोटा चम्मच, साथ में दही जाएगा इसमें 50 से 60 ग्राम लगभग। तो दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये अपना ईस्ट जो हमने एक्टिवेट करने रखा था। देख रहे हो आप कैसे झाग झाग से बन गए हैं। अगर नहीं बने तो आप इसे प्रयोग में बिल्कुल मत लेना, जब तक ईस्ट एक्टिवेट ना हो जाए, झाग झाग से ना बन जाए तब तक आप इसे प्रयोग में मत लेना, अगर आप ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए रख रहे हैं तो। और अब पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है और डो लगा लेंगे। डो जो है ना वो थोड़ा चिपचिपा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा काफ़ी। और ये पहले डो लगा लेते हैं और फिर हम इसको अच्छे से नीट करेंगे। तो ये देखो अभी तो आपको डो सही लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं नीट करता जाऊँगा ये सॉफ्ट होता जाएगा। और इसमें ऑयल डाल देंगे हम, टोटल 1 tablespoon ऑयल मैंने डाल दिया है, 15 ml, 15 से 20 ml तक लग जाएगा। और आप ऐसे नीट करते जाओगे तो ये देखो कैसे चिपचिपा सा हो गया ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करते रहिए 10-12 मिनट के लिए। ज़्यादा 10-12 मिनट तो नहीं लगेंगे, 7-8 मिनट में ही आपका ये हो जाएगा लगभग। और क्योंकि डो कम है इसीलिए 7-8 मिनट में हो जाएगा। इसे ऐसे नीट करते करते आप चिपकने लगे तो आप हाथ पे ऑयल लगा लेना, ऑयल बटर जो आप लगाना चाहें। और ये देखो आप एक डो जैसा बन गया है, सॉफ्ट डो। अब इसकी एक बॉल बना लेंगे, एक लोई बना लेंगे बड़ी, और फिर हम इसे प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। हाथ पर ऑयल लगा लेते हैं और इसे हम एक बाउल में डाल देंगे और प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे। बाउल थोड़ा ना गहराई वाला लेना जैसे मेरे पास है। इसमें मैंने ऑयल लगा दिया बाउल में और अपना डो रख दिया है, इस पर हल्का सा ऑयल का हाथ लगा दिया और क्लीन रैप से मैं इसे रैप कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ। आप क्लीन रैप नहीं है तो किचन टॉवल कपड़े से भी ढक के रख सकते हो। तो ये मैंने ढक दिया, क्लीन रैप कर दिया है और अब इसे हम 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी विंटर है तो टाइम ज़्यादा लगेगा प्रूफ होने में, फूलने में। तो प्रूफिंग के लिए छोड़ देते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रूफिंग है, पहली बार हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। और ये देखिए 1.5-2 घंटे बाद कैसे फूल के ऊपर आ गया है डो। बर्तन और गहरा होता तो और ऊपर आ जाता फूल के। और हाथ पे ऑयल लगा लेंगे और इसकी हम हवा निकाल देंगे, हल्के हाथ से इसकी हवा निकालेंगे। इस डो को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इससे लोइयाँ तोड़ेंगे, तो हमें जो लोई तोड़नी है वो इससे मैं लगभग 5-6 लोई तोड़ूंगा। इतने डो से हमारे 5-6 कुलचे बन जाएंगे। तो यहाँ देखो मैंने, और इस तरीके से हम इसे गोल गोल लोई बना लेंगे। आप नॉर्मली लोई भी बना सकते हैं, बस ये देखो आप काउंटर पे ही मैं राउंड राउंड घुमा के इसे लोई बना रहा हूँ। ऑयल के हाथ ज़रूर रखना, नीचे भी ऑयल लगा के रखना अपने काउंटर पे, ताकि चिपके ना, क्योंकि डो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए 2, 4, 5, 6 तो मैंने 6 तैयार कर लिए हैं। और अब हम इन लोइयों को फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंड रख रहा हूँ जाली वाले, और ऐसे इस तरीके से एक के ऊपर एक रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना इसको ढक के रखना है। तो क्लीन रैप से तो ढक नहीं सकता, क्योंकि मेरी ट्रे ऐसी है कि मैंने केक ट्रे रख दिया, और ये अब इस तरीके से मैं कपड़ा लगा दूंगा। कैसे भी आप जुगाड़ बना लेना, मतलब आपके जो लोई है वो अच्छे से ढक जाए, कपड़े से कवर हो जाए, ताकि ये फूल जाएँ लोइयाँ। अब इन्हें हम 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर से इतना ही टाइम लगेगा और हमारी जो लोइयाँ हैं वो फूल के डबल हो जाएंगी। तो फूलने देते हैं,
और ये देखो ये मैंने गैस पे बना के दिखाऊंगा एक आपको, तो मैंने ऐसे पैन में रखा हुआ है लेकिन गैस ऑन नहीं की है, गैस बंद है वो। और इधर देखो लोई कैसे फूल के बड़ी बड़ी हो गई ना, तो इन्हें अब हम इनके हम कुलचे बनाएंगे अब। और ऑयल लगा लेते हैं हाथ पे अपनी फिंगर्स पे, और अब हम इन्हें दबाएंगे इस तरीके से। आप गोल बना रहे हो, लंबे बना रहे हो, कुलचे आपके ऊपर है। यहाँ जैसे मेरे पास जगह है ट्रे में वैसे मैं इनको फैला रहा हूँ, गोल थोड़े लंबे जैसे। इनके ऊपर हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल रहा हूँ, कुछ में हम अजवाइन भी डालेंगे। तो एक आपको एक और दिखा देता हूँ हाथ पे। जितनी बार भी आप मतलब कुलचे बना रहे हो चिपकने लगे आपके हाथों पे मैदा, तो आप ऑयल ज़रूर लगाना, मतलब हर कुलचे पे आप समझो ऑयल लगाना ही लगाना है। और ये देखो फैला दिया, इस पे हम अजवाइन डाल देते हैं। आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं, वो भी पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं दोनों चीज़ें। तो ये देखो ये मैंने अजवाइन लगा दी, ये बिल्कुल तैयार है, ये हरे धनिया वाले तैयार हैं हमारे कुलचे। और बाकी बचे हुए भी हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन इस बार मैं पानी से करके दिखा रहा हूँ आपको। पानी में हाथ डिप किया इस तरीके से, अपनी पूरी फिंगर डिप कर ली और ऐसे इसको फैलाएंगे। तो ऑयल की जगह आप पानी भी लगा सकते हो हाथ पे, अगर आपको पानी से ईजी लगे तो आप पानी लगा के कर सकते हो, जैसे आपको कम्फर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। अब जैसे ट्रे है मेरे पास वैसे ही मैं इनको फैला रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मेरे पास ट्रे नहीं है, तो मैं एक में दो दो लगा रहा हूँ। एक में एक रखता तो फिर मैं आपको लंबा या गोल बना के अच्छे से दिखाता, लेकिन ट्रे के अकॉर्डिंग स्पेस के अकॉर्डिंग मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये अब हम फिर से इनको प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे, तो ढक दिया है वापस से वैसे ही और कपड़े ढक देंगे। जब तक कुलचे फूल के थोड़े मोटे मोटे ना हो जाए ना, तब तक हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। वही डेढ़ दो घंटा फिर चाहिए हमें इनको फूलने के लिए, तो छोड़ देते हैं। और फिर ये देखो ये मैंने जो मैं उसमें बनाऊंगा गैस पे, उसके लिए मैंने इसे ढक के रख दिया है, लेकिन गैस बिल्कुल बंद है जी, गैस बंद ही रखने देना। लगभग दो घंटे पूरे हो चुके हैं, कुलचे हमारे किनारे से फूल गए हैं, बीच में से फूल गए हैं, ये आप देख सकते हो। शायद ऊपर का व्यू है तो आपको शायद ना दिखे फूला हुआ ये। अब हम गैस ऑन करेंगे, क्योंकि मैं गैस पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, और मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर इसको प्री हीट होने दीजिए। आप चाहो तो नीचे नमक भी डाल सकते हो, स्टैंड के नीचे जो मैंने वायर स्टैंड रखा है ना, उस पर आप नमक भी लगा सकते हो, या फिर ऐसे ही आप इसे बेक कर सकते हो। तो मैंने स्टैंड पर इसे रख दिया है। ध्यान रखना ग्लव्स या कपड़े का यूज़ करना, क्योंकि गर्म हो चुका है हमारा पैन, मैंने डायरेक्ट रख दिया है, तो आप ये मत करना नहीं तो हाथ जलने का डर है। ये मैंने कवर करके रख दिया है, और 7-8 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम कर दिया है क्योंकि पहले प्री हीट कर लिया, फिर हमने 7-8 मिनट के लिए इसको इसमें छोड़ दिया। अब आप देखो कुलचा कैसे फूल रहा है ना, आप देख सकते हो। अगर मैं साइड से व्यू दिखाता ना आपको तो आपको समझ में आता, अभी मैंने टॉप से व्यू दिखाया इसलिए इतना नहीं दिख रहा होगा आपको फूला हुआ, पर कुलचा हमारा अच्छे से फूल गया है। और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने के बाद ठंडा होने के बाद इसमें से निकाल लेंगे और प्रयोग में ले सकते हैं। और इधर हमारे जो ये तैयार है ना, जो हमने एक चैम्बर बनाया है प्रूफिंग चैम्बर, कपड़े हटा दिए, केक पैन हटा दिया, और ये देखो ये हमारे फूल गए हैं। इनको अब हम बेक करेंगे अवन में। तो अवन मैंने 230 डिग्री सेल्सियस पे पहले ही प्री हीट कर लिया था, 230-250 पे आप कर सकते हो। और अपना कुलचा लगाने के बाद 5-7 मिनट लगेगी इसको बेक होने में, 5-7 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। अब मैक्सिमम आपके में कितना है, 180 है, 200 है, आपके अवन में तो उतना आप टेम्परेचर सेट कर लेना। मेरे में मैक्सिमम 230 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने 230 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 7 मिनट के लिए इसे बेक किया, और 7 मिनट में हमारा कुलचा बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखो आप, बाकी के भी हम ऐसे ही बेक कर लेंगे। पहले मैं इसको दिखाता हूँ, 1-2 मिनट बस इसमें रखा और फिर हम बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो फिर क्या नीचे थोड़ा पसीज जाएगा। देखो चिपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेकिंग ट्रे में हमने बेक किया है, नीचे से अच्छा बेक हुआ है, ऊपर से अच्छा बेक हुआ है, फूला भी है कुलचा हमारा, क्योंकि अवन में जाके भी थोड़ा सा फूलता है। धनिया वाला हमने उसमें किया था गैस पे, और ये अजवाइन वाला हमने अवन में किया बेक। सारे कुलचे मैंने बेक कर लिए हैं, एक बर्तन में रख दिए हैं। और ये देखो आप, इन्हें आप लगभग 3 दिन तक प्रयोग में ले सकते हो। पहले तो ये देखो कितने सॉफ्ट है, मैं दबा के दिखा रहा हूँ आपको, फिर ऐसे बीच में से तोड़ के भी दिखाऊंगा कि कितना सॉफ्ट है। ये देखो आप फील कर सकते हो कि इतना सॉफ्ट हमारा, बिल्कुल ब्रेड की तरह, जैसे फ्रेश ब्रेड होती है ना, उसकी तरह एकदम सॉफ्ट कुलचा हमारा बना है। छोले बनाइए गर्मा गर्म और फिर से सर्व कीजिए कुलचे के साथ। अब इन कुलचे को आपको रखना कैसे है, किसी पॉलीपैक में, किसी पॉलीथिन